एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि जीआईटी से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का टॉपिक थर्ड है जो मैंने एनसीईआरटी न्यू एडिशन 23-24 से कवर किया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास आए, क्योंकि हर दिन मैं इस पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियोस अपलोड करती हूँ। हर चैप्टर्स का कई कितने बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने अपलोड कर भी दिया है और बहुत का भी बाकी है, वो मैं अभी कर रही हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, प्रोसेस में है। तो चलो बिना टाइम गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन के प्लेलिस्ट में आपको मेरी बाकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखो, और नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अब तुम जान चुके हो, उनके हार्मोन्स के बारे में जान चुके हो। हालांकि हाउएवर एज मेंशन अर्लियर, हार्मोन जो होता है वो ऑल्सो सेक्रेटेड बाय सम टिश्यू। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जहाँ से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है लेकिन वहाँ से सेक्रेट होते हैं। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है उसी को हार्मोन्स बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जहाँ से हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो उसी में से कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एट्रियल वॉल ऑफ द आवर हार्ट, हार्ट का जो एट्रियल वॉल होता है वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सेक्रीट होता है जिसका नाम है ANF फैक्टर। ANF मतलब कि एट्रियल नैट्रीयूरेटिक फैक्टर, जो कि डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, डिक्रीज करने का काम होता है। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तब ये रिलीज होता है। ANF इज सेक्रेटेड बाय काउज विच काउज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। करता क्या है तो ये डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो अगला है वो है किडनी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो तो हार्ट वाला हो गया। दूसरा है किडनी से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। तो देखो, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी का जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जिसको हम लोग जेजी सेल भी बोलते हैं, वहाँ से एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग इरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। करता क्या है ये, तो ये स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोएसिस को। इरिथ्रोपोएसिस एक फिनोमेना है जिसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को ही मतलब इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। तो ये जो इरिथ्रोपोएसिस का स्टिमुलेशन करवाने का काम करता है इरिथ्रोपोएटिन होता है। इरिथ्रोपोएटिन कहाँ से रिलीज होता है, तो जेजीएसएल से। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी, जीआईटी के भी डिफरेंट पार्ट्स में एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वहाँ से कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें एक है गैस्ट्रिन, दूसरा है सेक्रेटिन, तीसरा है सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन, चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। तो ऐसे चार हार्मोन्स हैं जो कि हमारे जीआईटी से निकलते हैं। इन सब के बारे में बस एक एक इसका नाम और इसका एक एक फंक्शन बस आपको जानना है, ठीक है। जो गैस्ट्रिन होता है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। प्रीवियस ईयर में 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये एक तरफ ये चारों हार्मोन दिया हुआ था, दूसरी तरफ चारों फंक्शन दिया हुआ था, और ऐसे करके क्रॉस मैचिंग करवाना था, आप चाहो तो देख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को और स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन को, ये हो जाएगा गैस्ट्रिन का काम। दूसरा होता है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन एक्ट करता है ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियास, पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसके ऊपर वह एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, यानी कि वाटर और बाइकार्बोनेट का जो सेक्रीशन होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है सीसीके, तो सीसीके एक्ट करता है ऑन बोथ पैनक्रियास के ऊपर भी और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी, और स्टिमुलेट करवाता है किस चीज़ का। अब जब तुम हायर क्लास में जाओगे यानी कि जब तुम मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब तुमको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ का डिटेल में फंक्शन बताया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक एक फंक्शन जान लो। तो ये करता क्या है कि सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम को, बाइल जूस को रिस्पेक्टिवली मतलब ये बढ़ाता है, स्टिमुलेट करवाता है। जीआईपी का क्या काम है, तो जीआईपी इनहिबिट करता है। देखो बाकी सब क्या कर रहा था, स्टिमुलेट करवा रहा था, लेकिन ये क्या करवा रहा है, तो इनहिबिट करवा रहा है गैस्ट्रिक सेक्रीशन को और मोर्टलिटी को भी कम करवाता है। सेवरल, देखो यहाँ पे है ना कि सेवरल
अदर सिवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट हार्मोन जिसको हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। दिस फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। नॉर्मल ग्रोथ हमारे टिश्यू के लिए ये ज़रूरी होता है एंड रिपेयर और रीजनरेशन के लिए। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी थायरॉयड ग्लैंड की या फिर दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स जो भी हमारे एंडोक्राइन चैप्टर्स के हैं तो उसकी वीडियो अपलोड है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। थैंक यू।